नमस्कार साथियों, मैं सबसे पहले गीता जैन जी को उनके विधायक बनने के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। राजनीति में चुनाव आते हैं, चुनाव जाते, हार होती है, जीत होती है। मैं लेकिन विशेष तौर पर उन जनता का, इस शहर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे करीबन 70,000 के आसपास वोट दिए। मैं सभी हमारे नगर सेवक पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी दिल जान से मेहनत की। मेरे शुभ चिंतक का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने दिल जान से मेहनत की। मैं उन तमाम लोगों का, जिन लोगों ने किसी न किसी रूप में मेरे लिए उपयोगी बने, मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मैं जनता के इस निर्णय को भी दिल से स्वीकारता हूँ कि शायद हम में कुछ कमियाँ रही होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय के अंदर इसको सुधारें। लेकिन मुझे दुख इस बात का भी है कि इस शहर के अंदर इतने विकास होने के बाद भी आप और हम कैसे इसके अंदर भटक गए कि किसी ने आरोप किया, किसी ने भ्रष्टाचार किए, किसी ने व्यक्तिगत व्यवसाय को लेकर आरोप किए। हम कभी उसकी गहराई तक नहीं गए, हमने विकास को नहीं देखा, भावनाओं में आए। मैं आपसे यही कहूँगा, मैं पहले भी काम करता था, अब भी करूँगा, कल भी करूँगा। ना भ्रष्टाचार हुआ है, मेरे व्यवसाय को और राजनीति को, दोनों को जोड़ना कभी उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं वापस से नई शुरुआत कर रहा हूँ आपके सारे, आपके विश्वास पे। ये बातें आने वाले समय में भी हो सकती है, लेकिन मैं इतनी ही उम्मीद करूँगा, दोनों को अलग रखिएगा। अगर मैं राजनीति, जिस काम के लिए आपने मुझे चुना है, वो काम मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो मेरा आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप मुझे उसे सराहें, ना कि किसी की बातों में आए। इतनी ही उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। मैं फिर एक बार गीता जैन जी को बधाई देता हूँ और शहर के सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आपके निर्णय को सर आपको भी स्वीकारता हूं। आगे हम इसी तरह से सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।